लगातार दूसरे साल कोरोना के चलते चालिया साहब पर्व लोगों ने अपने घरों से ही मनाया। वैसे भी राज्य सरकार ने अभी तक मंदिरों को खोलने की अनुमति नहीं दी है, जिसके चलते लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। आइए देखते हैं इस खबर की पूरी जानकारी। सिंधी समुदाय का सबसे पवित्र त्यौहार माने जाने वाला चालिया व्रत जो है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि चालिया मंदिर है यहाँ पर प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध चालिया मंदिर। आज समाप्ति का दिन है। जिस तरीके से कोरोना का जो काल देखने को मिला उसके चलते हुए जो है काफ़ी पाबंदियाँ हैं, जो कि मंदिर अब तक खुले नहीं हैं, और इस तरीके से जो त्यौहार मनाए जा रहे हैं उसमें जो है प्रशासन द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई है उसके नियमों के तहत जो है मनाया जाना है। ऐसे में इस वर्ष भी जो है काफ़ी पाबंदियों के बीच चालिया व्रत जो है समाप्त हुआ है। आज समाप्ति का दिन है। ऐसे में जो चहल पहल हर वर्ष देखने को मिलती थी वो तो नज़र नहीं आ रही पिछले ढाई वर्ष से, और अभी यदि भी आज की बात करें तो कोरोना का समय चल रहा है जिसके चलते जो है काफ़ी पाबंदियां हैं, लोगों की भीड़ कम है। लेकिन एक कहीं ना कहीं चीज़ ये भी देखने को मिली कि चालिया में जिस तरीके से आज शांतिपूर्वक व्रत समाप्त हो रहा है, सभी लोगों ने घर पर व्रत रखे और आज जो है समाप्ति है। विभिन्न जगहों पर जो है मटकी को विसर्जन करने की प्रक्रिया रखी गई, उस पर प्रशासन भी कहीं ना कहीं जो है सहायता कर रहा है। तो ऐसे में देखने को ये मिल रहा है कि कोरोना के चलते जो कि उत्सव होने चाहिए वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से पाबंदियों के चलते पूरे हुए हैं, और साथ ही साथ अब देखना यह है कि आने वाले जो उत्सव होने हैं उसे किस तरीके से गाइडलाइंस में मनाया जाएगा। बहरहाल जिस तरीके से जो कि हर वर्ष धूमधाम से मनाया जाने वाला चालिया उत्सव था, शांतिपूर्वक घर में रहकर पाबंदियों के साथ समाप्त हुआ। जय माता दी, माता माई राजायन की जय। माँ राजायन मंदिर की तरफ से सभी शहरवासियों को चालिया साहब पर्व की लाख लाख बधाई हो। चालिया साहब पर्व आज सिंधियों का बड़ा मेला रहता है। उस मेले में आज कोविड के कारण चालिया साहब मंदिर बंद है, बाहर से ही लोग दर्शन कर रहे हैं। मैं सभी शहरवासियों को खुद चालिया साहब मंदिर और माता माई राजन मंदिर की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि ऐसे ही झूलेलाल साईं, वरुण देवता हम पूरे उल्लासनगर पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। माँ राजन की कृपा हम सब पे बनी रहे। जय माता दी, जय झूलेलाल। दो वर्ष से जो कोरोना महामारी आई है उसमें जो मंदिर स्थान वगैरह सब बंद थे, लेकिन आज कुछ हद तक थोड़ा बहुत अपने को मेला जो हमारा 40 दिन का रहता है, मटकी विसर्जन कई अलग अलग जगहों पे मटकी विसर्जन का काम शुरू है। भक्तों की बहुत सारी आस है दर्शन के लिए, वो थोड़ी कम है। मैं भगवान झूलेलाल से और गणपति बाबा से आशा करता हूँ कि जल्द से जल्द इस कोरोना महामारी को समाप्त करें, भगवान अपनी आशीर्वाद दे ताकि हम अपना जो मेला है धामधूम से मना सकें। माता माई राजन का जो मेला रहता है उसको भी धामधूम से मनाएं, चालिया मंदिर को भी धामधूम से हम लोग कार्यक्रम करें। जय झूलेलाल। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें।